बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे। उससे पहले हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, उसके बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेशन डिस्कस किया था, उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस drawn from hypothesis, यहां पर एक है logical consequences, एक है hypothesis। इसको अगर आप गौर करें तो hypothesis जो है वो हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ऑफ ऑब्जर्वेशंस या इसको ऐसे भी कहते हैं कि द प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, यानी जो ऑब्जर्वेशंस की हैं वहाँ से हम एक रिज़ल्ट ड्रा करते हैं दैट माइट बी द सॉल्यूशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस बनाकर उसकी हम लॉजिक देते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस मीन इसके रिजल्ट्स। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस मीन के जो हाइपोथेसिस की रीजनिंग क्या है। एक्चुअली हाइपोथेसिस और डिडक्शन दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, उसी रीजनिंग को हम डिडक्शन का नाम देते हैं। तो ये जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग जो है वो दो तरह से होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग, एक इंडक्टिव रीजनिंग। जो भी रीजनिंग होती है उसके लिए एक शर्त ये होती है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड ट्रू, इसको हम सही मान लेते हैं, और इसके जो पॉसिबल जो रिजल्ट्स है आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। यहाँ से जब हम हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान लेते हैं तो उसके जो आउटकम्स हैं वो हम निकालते हैं, जिसको हम डिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट अ ट्री, अ प्लांट, एक स्पेसिफिक प्लांट उसने ऑब्जर्व किया, और उसमें देखा उसने अ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल हैज़ न्यूक्लियस, एक प्लांट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर इसको हम अप्लाई करें तमाम प्लांट्स पे तो हम कहते हैं ऑल प्लांट्स प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस।
तमाम प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है। अब एक स्पेसिफिक प्लांट को, प्लांट सेल को उसने ऑब्जर्व किया और इसको अप्लाई किया जनरली आम सारे प्लांट्स पे, तो इसको कहते हैं दैट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। और इसके लिए हम जब डिडक्शन बनाते हैं तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक, यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। इफ़ एंड देन क्या है कि इफ़ अ प्लांट सेल हैज़ न्यूक्लियस देन ऑल प्लांट सेल्स हैव द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है जो है उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशन से उसने ये हाइपोथेसिस निकाला कि प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर उसको अप्लाई किया तमाम प्लांट सेल्स पे, तो वहाँ से इसने डिड्यूस किया, डिडक्शन निकाली कि इफ़ अ प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस देन ऑल द प्लांट सेल्स हैव द न्यूक्लियस। तो इसका दूसरा तरीका जो है उसको दैट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जिसमें हम कहते हैं कि ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस देन अ स्पेसिफिक प्लांट, कोई भी जिसको स्टडी कर रहे हैं इट आल्सो हैज़ न्यूक्लियस। तो इसकी रीजनिंग के दो तरीके हैं, हाइपोथेसिस की रीजनिंग देने के यानी डिडक्शन के दो तरीके हैं। एक दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग दैट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और दूसरी जो है इंडक्टिव रीजनिंग दैट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये क्या है, ये स्पेसिफिक टू जनरल है, और इसमें हम इफ़ एंड देन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एंड देन लॉजिक, इफ़ ऑल प्लांट्स, इफ़ अ प्लांट सेल हैज़ न्यूक्लियस, यहाँ पे इफ़ लगा दें और यहाँ पे देन लगा दें, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है ये डिडक्शन कहलाएगी। अब इसमें हाइपोथेसिस भी आ जाता है, हाइपोथेसिस के आउटकम्स भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि डिडक्शन और हाइपोथेसिस दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तब हम रीजनिंग देते हैं या लॉजिक देते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो कैसे ठीक हो सकता है, तो इसमें इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हम डिडक्शन बना लेते हैं देन नेक्स्ट स्टेप दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है कि जब हमने ये डिडक्शन बना ली इसको हम टेस्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बेसिक स्टेप है, बेसिक स्टेप एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। ये बेसिक स्टेप क्यों है, इसलिए कि जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, इज टेस्टेड वेदर इट इज ट्रू और नॉट। और किसके लिए, किसके ज़रिए करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए करते हैं। और जब ये हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो जो डिडक्शन होती है, डिडक्शन आर पास्ट थ्रू रिगरस टेस्टिंग। इसको आजमाइश के सख्त मराहल से गुजारा जाता है,
या इसको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट किया जाता है कि ये ठीक है या गलत है। फिर आउटकम्स क्या आते हैं, दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक हाइपोथेसिस, दोष साबित हो सकता है। अगर ये ट्रू है तो फिर जो है इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर यहाँ से ये जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस प्रोड्यूस मोर प्रेडिक्शंस। यहाँ से फिर और भी बहुत सारे पहलू निकलते हैं, इनको फिर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। अगर वो भी ठीक हो जाते हैं तो हमारे जो हाइपोथेसिस की जो वैलिडिटी है वो और भी बढ़ जाती। इफ़ इट इज़ अदरवाइज, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है तो फिर क्या किया जाता है, जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। जब हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर नए सिरे से दोबारा हाइपोथेसिस बनाकर फिर इसको हम उसी तरीके से डिडक्शन बनाते हैं, डिडक्शन बना के फिर उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो बच्चों आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक डिडक्शन, डिडक्शन क्या है, दैट इज़ द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। तो जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द हाइपोथेसिस। इसके लिए हम हाइपोथेसिस को कंसिडर करते हैं कि ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं यहाँ से हम ड्रा करते हैं हाइपोथेसिस से। इसकी एग्जांपल देते हैं कि अगर एक प्लांट सेल, एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, स्पेसिफिक प्लांट सेल ऑब्जर्व किया है, इसके अंदर न्यूक्लियस की मौजूदगी उसने देखी है, देन ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। तो सारे प्लांट्स को तो नहीं देख सकते ना, सारे प्लांट्स को नहीं देख सकते, लेकिन हमने एक प्लांट को देख के हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। यही तो डिडक्शन है, इसमें हम इफ़ एंड देन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। इफ अ प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, देन ऑल द प्लांट सेल्स हैव द न्यूक्लियस, और इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन लॉजिक, यानी दलील के तरीके से कि ये जो हाइपोथेसिस हमने ट्रू कंसीडर की है इसकी रीज़न क्या है, इसकी दलील क्या है। इसकी दलील के लिए हम रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, और वही तो डिडक्शन है। वो रीजनिंग दो तरह से होती है, दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है दैट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब ये जो है ये स्पेसिफिक से जनरल को, यानी एक स्पेसिफिक प्लांट सेल को देखा और जनरली हमने ऑल प्लांट्स पे अप्लाई कर दिए, ये है स्पेसिफिक टू जनरल, इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और जब ये डिडक्शन बन जाती है फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दैट इज़ द बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। और इसका मकसद ये होता है कि हाइपोथेसिस इज टेस्टेड वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, कि अगर ये ठीक है या गलत है इसको हमने एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए देखना है। उसके लिए फिर जो डिडक्शंस बनाई हैं इस पे इसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, और इसको आजमाइश के सख्त मराहल से गुजारा जाता है जिसको कहते हैं रिगरस टेस्टिंग। और जब ये अगर हाइपोथेसिस हमारा ट्रू निकल आता है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है ये और भी प्रेडिक्शंस करता है, और भी पेशगोई निकलती हैं, और भी बहुत सारे पहलू निकलते हैं, और यहाँ से फिर और भी हाइपोथेसिस निकलते हैं, फिर उनकी हम डिडक्शंस बना के उनको भी हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट करते हैं। अगर ये जो हाइपोथेसिस हमारे जो नए बनाए वो भी ठीक साबित हो जाते हैं तो फिर हमारा जो हाइपोथेसिस जो हमने पहले बनाया था वो और भी इसकी वैलिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है।
तो अगर ये हाइपोथेसिस अगर गलत साबित हो जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के क्राइटेरिया पे ये पूरा नहीं उतरता, देन इट इज़ रिजेक्टेड और फिर नए सिरे से दोबारा बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो आज हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें आपने जो क्वेश्चंस याद करने हैं, एक तो डिफाइन डिडक्शन और दूसरे नंबर पे राइट ए नोट ऑन राइट इम्पोर्टेंस ऑफ, ऐसे लिख लें, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो है ये आपने सारा करना है, डिडक्शन की डेफिनेशन जो है वो आपने करनी है, दैट इज़ ये क्या डेफिनेशन है, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, और इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ कंसिडर्ड ट्रू रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, और इसके बाद ये दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। ये जो मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी है, ये बात डिडक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ वाला बॉक्स जो है इसमें ये डेफिनेशन, ये एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखी हुई है। तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस आप याद करेंगे, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद हम आगे चलेंगे इसके जो रिजल्ट्स हैं और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे, इनको आप याद करेंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।